हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 14 शिक्षा पर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे प्रश्न पूछे गए, तो थोड़ा सा ध्यान समझते हुए चलिएगा। देखिए, अध्याय 14 शिक्षा, यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है जिसमें आपके पहले कॉलम में कुछ संस्थानों के नाम दिए गए हैं, हमारे प्रदेश में संचालित कुछ प्रमुख आपके संस्था जो कि शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर दिया गया है लाभार्थी, यानी कि इस संस्था के अंतर्गत कौन कौन आपके लाभार्थी होंगे। यहां पे दिया गया है सुविधा, यानी कि इन संस्थाओं के द्वारा कौन कौन सी सुविधा मुहैया कराई जा रही है। यहां पर दिया गया है संचालित, यानी कि जो संस्थाएं जो है ये कहां कहां पर संचालित है और इस संस्था से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका आस्था। आस्था जो कि नक्सल हिंसा में अनाथ हुए बच्चों को आवासीय गुरुकुल सुविधा मुहैया कराता है। नक्सल हिंसा में अनाथ मतलब नक्सल गतिविधियों के कारण जिन बच्चों के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, तो उन बच्चों को आवासीय गुरुकुल सुविधा मुहैया कराता है। आवासीय गुरुकुल, गुरुकुल जो कि नाम से ही स्पष्ट है। देखिए, ये जो आपका गुरुकुल का मतलब क्या होता है, ऐसी शैक्षणिक संस्थाएं जहां पर आपके रहने की, खाने की, पीने की, साथ साथ जो है आपके मनोरंजन की सारी सुविधा उन्हें मुहैया कराई जाती है। ठीक, बच्चे जो है इस स्कूल में रह करके पढ़ते भी है, एक प्रकार से वह बच्चों का घर के समान होता है। यह है आपके आवासीय गुरुकुल। इन आपके आवासीय गुरुकुल के माध्यम से नक्सल हिंसा में जो बच्चे अनाथ हो चुके हैं, जिनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, उन्हें कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12वीं तक निःशुल्क जो आपकी शिक्षा है वो मुहैया कराया जाएगा। देखिए, वर्तमान में जो आपका आस्था नामक जो संस्था है ये संचालित है आपके दंतेवाड़ा जिले में। हमारे प्रदेश का जो दंतेवाड़ा जिला है, बस्तर संभाग का दंतेवाड़ा जिला, वहां पर संचालित है आपका आस्था नामक संस्था। देखिए, ये जो आपका आस्था संस्था है ये प्रारंभ हुआ था आपके वर्ष 2007 से। वर्ष 2007 से जो है आपकी संस्था जो है संचालित है। देखिए, नेक्स्ट है आपका निष्ठा। ये जो निष्ठा है, निष्ठा नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले जो आपके परिवार है उनके बच्चों को आपका कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक निजी स्कूलों में प्रवेश करा करके उन्हें निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराता है। ये जो आपका निष्ठा संस्था है ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य शासन तथा एनजीओ, एनजीओ का मतलब होता है आपका गैर सरकारी संगठन, नॉन गवर्नमेंट बॉडी, गैर सरकारी संगठन और आपके राज्य सरकार दोनों की सहायता से ये संस्था संचालित है, जिसका नाम है निष्ठा, जो कि नक्सल हिंसा में प्रभावित क्षेत्र में जो परिवार रहते हैं, यानी कि नक्सल गतिविधि है ऐसे क्षेत्र जहां पर अक्सर जो है नक्सलवादियों की गतिविधि होती रहती है, जैसे कि पूरा का बस्तर संभाग, तो नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को कक्षा 1 से 12वीं तक निजी स्कूलों में प्रवेश करा करके उन्हें निःशुल्क शिक्षा मुहैया कराया जाता है आपके निष्ठा संस्था के माध्यम से। देखिए, इसमें जो आपके जो निजी स्कूल यानी कि जो निजी संस्था है उन्हें शैक्षणिक शुल्क का 25% प्रतिपूर्ति के रूप में दिया जाता है, यानी कि कोई भी स्कूल जो है फ्री में शिक्षा तो देता नहीं है, लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा ऐसी व्यवस्था की जाती है कि गरीब बच्चों को कुछ परसेंट सीट जो है रिजर्व करके दिया जाता है प्राइवेट स्कूलों में। तो ये जो एनजीओ जो है निष्ठा, एनजीओ के माध्यम से जो है आपकी संचालित हो रही है, तो बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा निजी स्कूलों में, इसके बदले में निष्ठा संस्था जो है इन निजी स्कूलों को जो शैक्षणिक शुल्क है यानी कि जो स्कूल फीस है उसका 25% प्रतिपूर्ति के रूप में मुहैया कराएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ये जो आपका निष्ठा संस्था है ये हमारे प्रदेश का राजनांदगांव जिला और रायपुर दो स्थानों में संचालित है। पहला जो है आपका जो निष्ठा संस्था खोला गया था वो था आपके राजनांदगांव जिले में। नेक्स्ट है आपका प्रयास, काफी इंपॉर्टेंट है, पीएससी और आपका व्यापम दोनों इससे क्वेश्चन उठा चुके हैं। सेम प्रयास जो है ये नक्सल हिंसा से जो आपके प्रभावित क्षेत्र है इन क्षेत्रों में रहने वाले परिवार के बच्चों को आवासीय विद्यालय तथा विशेष कोचिंग सुविधा मुहैया कराएगा। आवासीय विद्यालय यानी कि रहने की व्यवस्था और आपके कोचिंग सुविधा, ध्यान दीजिएगा यहां पर स्कूलों की बात की जा रही थी, यहां पे कोचिंग सुविधा की बात की जा रही है। स्कूल के बाद अगर बच्चे प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे IIT, JEE, PET, NEET, CLAT ऐसी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो वो तैयारी कराएगा आपका प्रयास नामक संस्था। ठीक, ये देखिए, वर्तमान में जो आपका प्रयास संस्था है ये वर्तमान में आपके 9 स्थानों में संचालित है, जिसमें से 2 आपका रायपुर में है, 1 है सरगुजा, 1 है आपका बिलासपुर, 1 बस्तर, दुर्ग, कोरबा, कांकेर, जशपुर, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वर्तमान में 9 स्थानों पर जो है आपकी ये प्रयास संस्था संचालित है। पीएससी में पूछा गया प्रश्न है कि वर्तमान में हमारे प्रदेश के कितने स्थानों में आपका प्रयास नामक संस्था संचालित है, तो ध्यान दीजिएगा 9 स्थानों पर ये क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है।
ठीक। और एक प्रश्न पूछा गया था कि जो प्रयास जो जिसमें बताया जिसमें पूछा गया था कि नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों को विशेष कोचिंग सुविधा मुहैया कराए जाने के लिए प्रारंभ की गई जो प्रयास नामक संस्था है ये कब से प्रारंभ हुई थी, तो ध्यान दीजिएगा 2010 से, जुलाई 2010 से ये आपकी संस्था संचालित है, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो 2010 और 9 स्थानों में ये आपकी प्रयास संचालित है। पहला जो है आपका गुड़ियारी रायपुर में खोला गया था, पहला जो प्रयास संस्था है ये आपके रायपुर जिले के गुड़ियारी नामक स्थान में खोला गया था। ठीक, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, दो बार ये क्वेश्चन बन चुका है। तीसरा है आपका सहयोग, ये भी आपका सेम नक्सल हिंसा से प्रभावित जो आपके क्षेत्रों में जो परिवार रहते हैं उनके बच्चों को 12वीं उत्तीर्ण होने के पश्चात जो 12वीं उत्तीर्ण विद्यार्थी है उन्हें उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक मदद प्रदान किया जाता है। इसमें किसी स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा, कोई कोचिंग संस्था के माध्यम से इनकी तैयारी नहीं कराई जा रही, इन्हें आर्थिक सहायता यानी कि पैसों की मदद की जाएगी। नक्सल हिंसा से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले परिवार के बच्चों को जो 12वीं उत्तीर्ण हो चुके हैं उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद मुहैया कराया जाता है इस सहयोग संस्था के माध्यम से। वर्तमान में जो आपका इस सहयोग संस्था का जो योजना मुख्यालय है वो है आपके दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिले में जो है आपके सहयोग नामक संस्था संचालित है, ये इसका योजना मुख्यालय है, इसके बारे में इतना ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है आपका उड़ान, ये जो उड़ान नामक संस्था है ये स्पेशली बैगा जनजाति के बच्चों को, बैगा जनजाति के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश कराती है। बैगा जनजाति के बच्चे, बैगा जनजाति जो कि हमारे प्रदेश के विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों में से एक है, तो इन बैगा जनजाति के बच्चों को निजी स्कूलों में प्रवेश कराने का कार्य करती है आपकी उड़ान नामक संस्था। ठीक, इसके बारे में और कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। एक आप एक जगह नोट करके लिखिएगा, ये जो शुरू के जो पांच आपके संस्थानों के नाम है, आस्था, निष्ठा, प्रयास, सहयोग और उड़ान, ये जो पांच है शुरू के पांच, ये आपके मुख्यमंत्री बाल भविष्य, मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत संचालित है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना का एक पार्ट है ये पांच संस्थान। ठीक, नेक्स्ट देखिए, केवल पांच ना, शुरू का 1, 2, 3, 4, 5 उड़ान तक। अब ये जो अगला जो है ये इसके अंतर्गत शामिल नहीं है, लेकिन इसको भी टेबुलेशन फॉर्म में याद रखिए। नेक्स्ट है आपका एकलव्य आदर्श विद्यालय, एकलव्य आदर्श विद्यालय, देखिए जो एकलव्य आदर्श विद्यालय है ये अनुसूचित जनजाति, हमारे प्रदेश में जो आपकी अनुसूचित जनजातियां हैं, विशेषतः जो विशेष रूप से जो पांच पिछड़ी हुई जनजाति है उन्हें जो आपका आवासीय विद्यालय के माध्यम से निशुल्क शिक्षा मुहैया कराएगा। देखिए ये है क्या, समझिएगा, आप अक्सर सुने होंगे आप नवोदय विद्यालय, ठीक है, हर जिले में एक आपका नवोदय विद्यालय होता है जिसे जिसका पूरा नाम है जवाहर नवोदय विद्यालय, ये एक प्रकार का आपका आवासीय विद्यालय होता है जहां पर निशुल्क शिक्षा के साथ साथ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, आपके मनोरंजन की व्यवस्था, सारी सुविधा जो है उस स्कूलों में मुहैया कराया जाता है निःशुल्क। ठीक है, उसके लिए जो है आपका एक एग्जाम होता है आपके इस जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन के लिए। तो ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय है ये सभी बच्चों के लिए खुला हुआ है, लेकिन जो एकलव्य आदर्श विद्यालय है वो इसी जवाहर नवोदय विद्यालय के तर्ज पर खोला गया है एकलव्य आदर्श विद्यालय, जो मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति, इन अनुसूचित जनजातियों में जो विशेष रूप से जो पिछड़ी हुई जो पांच जनजाति है उन्हें जो है आवासीय जो शिक्षा उन्हें मुहैया कराएगा। वर्तमान में जो आपके एकलव्य, एकलव्य आदर्श विद्यालय जो है ये प्रदेश के 25 जिलों में संचालित है। प्रदेश के 25 जिलों में 41 एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित है। ठीक है, प्रदेश के 25 जिलों में 41 एकलव्य आदर्श विद्यालय संचालित है। कई बार ये आंकड़ों से प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय ये बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है। देखिए, ऐसी बालिकाएं जिनकी आयु 10 वर्ष या उससे अधिक है, 10 वर्ष या उससे अधिक आयु की शाला त्यागी, अप्रवेशी तथा अनाथ बालिकाएं, यानी कि जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, शाला त्यागी यानी कि कोई आपकी बालिका जो स्कूल में प्रवेश करके पढ़ाई कर रही थी लेकिन किसी कारणवश उसे जो है अपनी स्कूल का त्याग, अपनी शाला का त्याग करना पड़ा, अप्रवेशी ऐसी बालिका जिसकी उम्र 10 साल या उससे अधिक हो चुकी है लेकिन अभी तक वो किसी भी आपके स्कूल में उसका दाखिला नहीं हुआ है, वैसी बालिकाएं, अनाथ बालिकाएं ऐसी बालिकाएं जिसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी है, जिसका कोई भी आपका अभिभावक यानी कि गार्जियन नहीं है,
तो उन्हें जो है आपका आवासीय शिक्षा, आवासीय स्कूली शिक्षा मुहैया कराया जाता है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के माध्यम से। ये एक 100 सीट वाला बालिका आवासीय विद्यालय है। हमारे प्रदेश के 23 जिले में, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। चार जिले को छोड़ करके, चार जिले कौन कौन से है, रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव, इन चार जिले में ये आपके कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित नहीं है। इन चार जिले को छोड़ करके बाकी के जो 23 जिले हैं इसमें संचालित है। नवीनतम जिला गोरेला पेंडरा मरवाही से जुड़ा हुआ कोई भी जानकारी नहीं है। हो सकता है अगले साल के आपके इकोनॉमिक सर्वे में आएगा, लेकिन ये 27 जिलों के आधार पर है। ठीक है, वर्तमान में 27 में से जो 23 जिले हैं उसमें संचालित है रायपुर, दुर्ग, बालोद और राजनांदगांव को छोड़कर। वर्तमान में हमारे प्रदेश में कुल इन 23 जिलों में 93 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय संचालित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, 10 वर्ष से अधिक आयु की शाला त्यागी अप्रवेशी अनाथ बालिकाएं, एकलव्य, अनुसूचित जनजाति, विशेष रूप से पिछड़ी हुई जनजातियों को जो है आवासीय शिक्षा, स्कूली शिक्षा मुहैया कराना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लाइवलीहुड कॉलेज। लाइवलीहुड का मतलब होता है आपका आजीविका से संबंधित। ये लाइवलीहुड कॉलेज क्या है, देखिए लाइवलीहुड कॉलेज कौशल विकास का अधिकार। हमारा जो प्रदेश है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है, ये युवाओं को कौशल प्रशिक्षण का अधिकार देने वाला पहला राज्य है। देश का पहला ऐसा राज्य है जिसने युवाओं को कौशल विकास का अधिकार दिया है। कौशल विकास का अधिकार यानी कि रोजगार जो उन्मुख जो आपके कार्यक्रम है, रोजगार उन्मुख जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो कौशल विकास से संबंधित जो आपका अधिकार है ये युवाओं को मुहैया कराया है, ताकि वो जो है अलग अलग क्षेत्रों का, जो है अलग अलग क्षेत्रों का प्रशिक्षण ले सके, रोजगार उन्मुख जो आपके कार्यक्रम है उसमें शामिल होकर के ट्रेनिंग करके अपने आप को प्रशिक्षित कर सके और कहीं ना कहीं जो है किसी रोजगार कार्य में वो जाकर के संलग्न हो सके। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिनियम है हमारे प्रदेश में वर्ष 2013 में लाया गया। वर्ष 2013 में एक अधिनियम पारित किया गया था हमारे प्रदेश की विधानसभा के द्वारा, जिसके पश्चात कौशल विकास का अधिकार, प्रदेश की युवाओं को कौशल विकास का अधिकार देने वाला हमारा छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है। इस योजना के अंतर्गत ही जो है आपके, इस अधिनियम के अंतर्गत ही आपके लाइवलीहुड कॉलेज की स्थापना की गई। लाइवलीहुड कॉलेज जिसकी, देखिए ये जो आपका कॉलेज का जो खोला गया है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, मुख्य जो योजना है, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा जो है युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। यानी कि इन कॉलेजों में जो युवक युवती प्रवेश करेंगे उन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा, उन्हें जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा, अलग अलग बाजार मांग के आधार पर जो आपके रोजगार है उन क्षेत्रों में इन्हें ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग देने के पश्चात ताकि ये जो है अपना कोई ना कोई रोजगार कार्य में संलग्न हो सके। लाभार्थी कौन होंगे, 14 से 45 यानी कि 14 से 45 वर्ष आयु वर्ग का कोई भी आपका युवक या युवती इस आपके लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश ले सकता है। शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, ध्यान दीजिएगा इंपॉर्टेंट है, आया हुआ प्रश्न है। इस लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश करने के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता नहीं लगती। एक साल आया हुआ प्रश्न है कि लाइवलीहुड कॉलेज में प्रवेश की शैक्षणिक योग्यता क्या है, 5वीं पास 8वीं पास 10वीं पास या इनमें से कोई नहीं, तो आंसर आएगा आपका इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इस कॉलेज में प्रवेश के लिए कोई भी शैक्षणिक योग्यता आवश्यक नहीं है। ठीक, ये जो आपका संचालित है वर्तमान में, ये प्रदेश के पूरे 27 जिले में संचालित है। 28वां गोरेला पेंडरा मरवाही की कोई जानकारी नहीं, पूरे के पूरे 27 जिले में संचालित है। और पहला जो आपका लाइवलीहुड कॉलेज खोला गया था वो था आपके दंतेवाड़ा जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ प्रश्न है, प्रदेश का पहला लाइवलीहुड कॉलेज किस जिले में खोला गया था, तो वो था आपका दंतेवाड़ा जिला। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यानी कि देखिए, इसे हम जानते हैं आपके ITI के नाम से, ITI इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, ITI के नाम से जानते हैं आप सभी। देखिए, हमारे प्रदेश में वर्तमान में 181 शासकीय ITI मौजूद है, ITI संचालित है। ये आंकड़े आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन की उम्मीद नहीं की जाती लेकिन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे प्रदेश में आपके वर्तमान में 181 शासकीय ITI संचालित है, गवर्नमेंट ITI संचालित है। इन 181 शासकीय ITI में से सर्वाधिक ITI मौजूद है आपके जांजगीर चांपा जिले में। जांजगीर चांपा जिले में 12 ITI मौजूद है, जबकि मिनिमम है आपके नारायणपुर जिले में, जहां पर मात्र 2 शासकीय ITI यानी कि गवर्नमेंट ITI संचालित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मेडिकल कॉलेज। हमारे प्रदेश में शासकीय मेडिकल कॉलेज यानी कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, वर्तमान में आपकी 6 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज संचालित है। कौन कौन से है आपके स्थान पर है, एक है आपके रायपुर में, जहां पर आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू आपके गवर्नमेंट
मेडिकल कॉलेज है, एक है आपके बिलासपुर में जहाँ पे आपका सिम्स है, ठीक है, बिलासपुर में आपका सिम्स है, एक है आपके अंबिकापुर में, एक है जगदलपुर में, एक है रायगढ़ में और एक है आपका राजनांदगांव में। इन आपके 6 स्थानों पर शासकीय मेडिकल कॉलेज आपके संचालित है, जबकि 3 प्रस्तावित है। अभी इसी साल सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 3 और मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज खोले जाने का जो है प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। अभी जो है अभी इसके भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। कौन कौन से है? कोरबा, कांकेर और महासमुंद, इसका भी नाम आपको याद रखना है, ठीक है। ये जो है अभी प्रस्तावित है, अभी इनका जो है भवन निर्माण का कार्य चल रहा है, बहुत जल्द ये 3 भी आपके खोले जाएंगे, ठीक। वर्तमान में संचालित कितने हैं? 6, प्रस्तावित कितने हैं? 3। नेक्स्ट देखिए विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी, उच्च शिक्षा क्षेत्र के जो आपकी यूनिवर्सिटी है, ध्यान दीजिएगा, हमारे प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी की संख्या है 1, गुरु घासीदास जो कि आपके मौजूद है बिलासपुर में, जबकि राजकीय यूनिवर्सिटी यानी कि जो स्टेट यूनिवर्सिटी है उसकी संख्या है आपका 8, जबकि निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या है आपका 13। ये आंकड़े याद रखना है, कई बार डायरेक्ट आंकड़े से प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न पूछा जाएगा कि प्रदेश में कितने केंद्रीय विश्वविद्यालय मौजूद है, तो मात्र 1, ठीक है, उच्च शिक्षा का मात्र 1 आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी मौजूद है, वो भी है आपके बिलासपुर में गुरु घासीदास। राजकीय विश्वविद्यालय की संख्या है 8, जबकि निजी विश्वविद्यालय यानी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की संख्या है 13। नेक्स्ट देखिए एक छोटी सी योजना है, उसको याद रखिएगा, सरस्वती साइकिल योजना। सरस्वती साइकिल योजना जो कि पूरे छत्तीसगढ़ भर में संचालित है। सरस्वती साइकिल योजना क्या है समझिएगा, 9वीं कक्षा के शासकीय विद्यालय की बालिकाओं को आपका साइकिल प्रदान किया जाता है, उनके आवागमन के लिए, स्कूल आने जाने के लिए उन्हें जो है आपका साइकिल प्रदान किया जाता है प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें SC ST और BPL श्रेणी की बालिकाएं शामिल रहती है। SC ST मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाएं, BPL यानी कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन व्यापन करने वाली बालिकाओं को साइकिल प्रदान किया जाता है। ध्यान दीजिएगा प्रश्न पूछा जाता है कि आपके सरस्वती साइकिल योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाएं कौन सी कक्षा में अध्ययनरत होती है, तो ध्यान दीजिएगा 9वीं कक्षा की, 9वीं कक्षा की बालिकाओं बालिकाएं जो है इस योजना के अंतर्गत पात्र है, ठीक। तो शिक्षा से रिलेटेड इतने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को याद कीजिएगा, ये टेबल को अच्छे से याद कीजिएगा, टेबल से प्रश्न आता है। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के अंतर्गत शुरू के 5 संस्थानों के नाम याद कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।